अब दोस्तों यूं तो इंडिया का लेटेस्ट लॉन्च आपकी ऑल न्यू होंडा एलिवेट और किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट है, लेकिन आज मैं आपके सामने पेश करता हूं ऑल न्यू होंडा क्रेटा का फेसलिफ्ट, जो कि आज पेश हो रहा है आपके सामने डायनेमिक ब्लैक एडिशन के साथ। क्या है इस गाड़ी का पूरा खेल और क्यों मुझे इस गाड़ी को देखने के लिए इतना दूर आना पड़ा, सब कुछ आपको समझाता हूँ। गाड़ी का लुक ही आपके सामने, क्या बोल्ड और क्या मस्कुलर लुक दिया गया है। मतलब अगर ये गाड़ी अभी मार्केट में आ जाए ना, कुछ नहीं है इसका कंपटीशन। बहुत ही शानदार लुक है, क्योंकि जो डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर हुंडई ने यूज़ करी थी बहुत ही अल्टीमेट थी, सब कुछ आपको समझाता हूँ। और जो स्पेशल ब्लैक टोन में इस गाड़ी को पेश किया गया है, क्या कुछ खास है। अभी जो आपको इंडिया में पुरानी हुंडई क्रेटा ऑफर की जा रही है, जिसमें आपको नाइट एडिशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन फिर भी जो लुक अपील है वो पुरानी वाली है, जो यहाँ पर बीच में एक साल पहले ही अपडेट हो गई थी, वही गाड़ी आपके सामने ला रहा हूँ। तो देख लीजिए क्या है इसमें खास और क्या कुछ कलर टोन आपको फील हो रही है। कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक के साथ पर्ल का ऑप्शन एक तरीके से मैं देख रहा हूँ, और बहुत ही प्यारी कलर टोन है इसकी। फुल ऑन LED के साथ ये लुक आपके सामने है, और साथ में ही आपको जो यहाँ पर DRL फंक्शन मिलते हैं, ये भी एक तरीके से ना बहुत ही प्यारे लगता है। अभी मैंने DRL बंद करे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का इम्पोजिंग लुक आता है इस गाड़ी का। अब आप कहेंगे ये गाड़ी है कहाँ। मैं आज पहुंचा हुआ हूँ इंडोनेशिया में, और यहाँ पर ये गाड़ी को एक तरीके से शोकेस किया गया है। मैंने कहा आपको अपडेट देता चलूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये गाड़ी को एक बार देखना बनता है। और यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन में ही काम नहीं किया गया, इसमें आपको ADAS के फंक्शन आ गए, जो अल्कज़ार में आपको बड़ी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है वो इस गाड़ी के साथ आ गई है। समझाता हूँ बारीकी से क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हुंडई का लोगो आपको डार्क क्रोम में मिलता है, क्योंकि इसका डायनेमिक ब्लैक एडिशन है। उसके अलावा ये कुछ आप यहाँ पर इसकी फ्रंट की ग्रिल देख रहे हैं किस प्रकार दिखने वाली है, और इसी ग्रिल को आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो ऐसा कुछ लुक आपके सामने बना के लाती है। इस ग्रिल को हुंडई कहती है पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल डिज़ाइन, और जो आपने इससे पहले 200 के अंदर देख ली थी, क्योंकि 200 इससे थोड़ी प्रीमियम गाड़ी है और ऐसी दिखाई पड़ेगी गाड़ी। थोड़ा हेडलैम्प को पास से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एरे ऑफ हेडलैम्प मिलेगा, जो कि अभी वाली क्रेटा के मुकाबले अपडेट हो चुका है। जो पेंट क्वालिटी है ना, वो आपको यहाँ पर जो पर्ल इसमें यूज़ किए गए वो दिखा रहे होंगे। गाड़ी में आप कहेंगे भाई पार्किंग सेंसर कहाँ गए, तो इसमें अभी पार्किंग सेंसर नहीं यूज़ किए गए। इंडिया में जब गाड़ी आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं पार्किंग सेंसर देना। सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर आपको ADAS फंक्शन आ गया इस फेसलिफ्ट के साथ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इंडिया में जो आपके सामने क्रेटा बन के आएगी उसमें आपको ADAS मिल ही जाएगा, क्योंकि जो उसका कंपटीशन है सेल्टॉस में ऑलरेडी लेवल 2 ADAS आ चुका है। कहीं ना कहीं सनरूफ की मिसिंग थी उसमें, वो भी सेल्टॉस ने पूरी कर दी, तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है। अब देखिए गाड़ी को थोड़ा सा और साइड से, तो ऐसा कुछ इसका पूरा लुक आता है। साइड प्रोफाइल में ना बहुत ही कम चेंजेस है, सिर्फ जो फ्रंट की ग्रिल है और जो पीछे की बूट एरिया है उसी में डिज़ाइन चेंजेस किए गए। इंटीरियर में आप देखेंगे हल्के फुल्के डिज़ाइन, और देखिए ये है गाड़ी। यहाँ से अलॉय की बात करें ना, ये इंडिया में आपको अलॉय जो S मॉडल आता है उसमें देखने को मिलेंगे, तो फीचर भी आजू बाजू उसी के हैं। बाकी कलर ऑप्शन, ये इंडिया में जो नाइट एडिशन है उसमें थोड़ा सा रेड टोन डाल देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है, ऑल ब्लैक है, तो अलग ही एक स्टांस आ रहा है इसका। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टाटा काम करता है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी काम किया गया है। अब देखिए गाड़ी की रियर प्रोफाइल, यहाँ पर आपको अपडेट का पता चल जाएगा। तो ये देखिए इसकी रियर की प्रोफाइल में, जो यहाँ पर आपको पहले लाइट बार आता था वो गायब कर दिया है इस फेसलिफ्ट के साथ, और ये है गाड़ी की पूरी रियर प्रोफाइल। गाड़ी का जो साइज़ अभी भी सिमिलर ही यहाँ पर रखा गया है 4315 mm की, लेकिन ये गाड़ी में समझिए जो डिज़ाइन है वो 200 से लिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर हुंडई के पास 200 ही थोड़ा है, 200 से ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी आपको यहाँ पर देख रहे पैलीसेड है। तो ये जो पैलीसेड आपके सामने है इसका डिज़ाइन आपको एक्स्टर के अंदर मिल गया है। अब आप कहेंगे भाई एक्स्टर में ऐसा डिज़ाइन कहाँ है, तो बहुत ही बड़ी गाड़ी है, गाड़ी बड़ी है लेकिन हल्का सा देखिए डिज़ाइन फिलोसफी याद आ रही है आपको, एक्स्टर में कहीं ना कहीं ऐसे ही लुक आए हुए ना। तो जी हाँ, यही सारा खेल है। 200 के साथ जो डिज़ाइन है क्रेटा में जा चुका है, फेसलिफ्ट में अपना काम पूरा करा, जिन मार्केट्स में देना था दे दिया। अब बारी है इस डिज़ाइन को एक तरीके से यूज़ करने की, और अब आपको समझाता हूँ क्या कुछ आ जाएगा। तो जो आने वाली क्रेटा है ना, वो ऐसे कुछ डिज़ाइन फंक्शन के साथ आपके सामने प्रकट होने वाली है, उसकी वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगी। तो ये DRL देख लो, इस तरीके से हेडलैम्प को पोजीशन किया जाएगा। अब चलते हैं आपकी क्रेटा की ओर और बारीकी से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रेटा का सेकंड टॉप मॉडल है, सिंपल व्हाइट कलर में है। इंडिया में क्रेटा सबसे ज़्यादा व्हाइट में ही बिकती है, उसके अलावा ग्रे और सिल्वर का नंबर आता है। तो ये रेड टोन है, और यहाँ पर आप देखो दोबारा से जो अपनी डायनेमिक ब्लैक है वो आपके सामने। अब देखिए आपकी जो क्रेटा है फेसलिफ्ट में, वहाँ पर जो बूट स्पेस है, क्योंकि चैसी में कोई अपडेट नहीं है, तो सिमिलर आपको 433 liters का मिलने वाला है, और सीटों को फोल्ड कर दोगे तो 1300 liters का बूट स्पेस यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि इंडिया में किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 40-60 का ऑप्शन मिलता है, इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड। सनरूफ का ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि ये इसका डायनेमिक ब्लैक एडिशन है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी जो इसका टॉप एंड वेरियंट या फिर सेकेंड टॉप है, जो कि बीच में रेड कलर का लगाया गया है, वो देखते हैं। तो ये देख लो इस गाड़ी को बाहर से, जो कलर टोन है ना वही देखने वाली चीज़ है, बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। एक बार और देखेंगे इसको बंद करके, तो इसको आप बंद करेंगे तो ऐसा इसका लुक आता है। क्रेटा का पीछे एम्बलम आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर से देखेंगे शार्क फिन एंटीना, और ये चीज़ है। अब हुंडई को इस गाड़ी को इंडिया में ले आना चाहिए था, लेकिन बात वही है
कि वो नहीं चाहते थे कि 200 का जो डिज़ाइन है उससे एक नीचे वाले सेगमेंट में भी फॉलोअप किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो 200 की सेल है थोड़ी सी इंपैक्ट हो जाती और जो प्रीमियम कस्टमर 35-40 लाख रुपए खर्च करने को रेडी था वो एक 20-25 लाख रुपए की गाड़ी में अपना बजट समेट लेता, क्योंकि आजकल कोई भी चाहेगा ना एक रिफाइंड गाड़ी मिल जाए और कहीं ना कहीं हुंडई की रिलायबिलिटी उस गाड़ी में भी सिमिलर, इस गाड़ी में भी सिमिलर, तो वो कुछ प्लानिंग रही होगी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कहते हैं इस चीज़ों को। तो ये देख लीजिए गाड़ी को पूरा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इंटीरियर की तरफ कि क्या कुछ खास है। ये गाड़ी रेड टोन के साथ ऐसी दिखाई पड़ेगी, इसमें जो सिल्वर एलिमेंट्स हैं ये आपकी पकड़ में और अच्छे से आ जाएंगे। अभी DRL बिल्कुल बंद करे हुए तो सिंपल डिज़ाइन क्लियर आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा क्या कुछ है। अब ये गाड़ी क्योंकि इसका सेकंड टॉप मॉडल है तो यहाँ पर देखिए सनरूफ वाला पार्ट पैनोरामिक व्यू में आपके सामने है, इस तरीके से आपको दिखेगी गाड़ी। 360 डिग्री कैमरा नहीं है इसके साथ, ना फ्रंट पार्किंग सेंसर है, लेकिन इंडिया में आने चाहिए वो चीज़ें क्योंकि ADAS आ चुका है। ADAS में भी आपको वरना की तरह नहीं दिया गया नीचे डॉपलर सेंसर, एक थोड़ा सा सिमिलर वर्जन है जिसमें आपको लेन वॉच कैमरा मिलेगा। उसके अलावा ये है इसका विदाउट सनरूफ वाला ऑप्शन। आप एक चीज़ नोटिस करिए ना, लोअर मॉडल में भी आ रहे हो तो कहीं ना कहीं जो फ्रंट की ग्रिल थी काफ़ी सही रखी गई थी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इस गाड़ी को लाना चाहिए था, क्योंकि इसलिए ये जो गाड़ी आपके सामने इसी का एक थोड़ा सा ना छोटू वर्जन आपके सामने पेश होने वाला है, और ये कह सकते हैं कि एक्स्टर का बड़ा वर्जन आपके सामने रहेगा। कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो डिज़ाइन फिलॉसफी है फैमिली में चलती है जिससे पता चलेगी हुंडई की गाड़ी है। अभी ये हुंडई का असली चेहरा है, उनकी फ्लैगशिप गाड़ी है, हुंडई की जो भी एक्सपर्टीज़ है जो भी वो दुनिया में कर सकते हैं वो अपनी सबसे महंगी गाड़ी में देंगे। उससे एक तरीके से ब्रांड की वैल्यू बनती है कि इतनी बड़ी गाड़ी बना सकती है, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी फीचर वाली गाड़ी, इसीलिए वो अपने जो लोअर मॉडल या फिर लोअर सेगमेंट है उसमें उसी डिज़ाइन को यूज़ करती है। यहाँ पर आप देखेंगे जाना पहचाना आपको 8 इंच की स्क्रीन ऑफर की जाती है, ये आपको नॉर्मल सा सारा सिस्टम मिलेगा, कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, अल्कज़ार की तरह ही यहाँ पर आपको फुली डिजिटल क्लस्टर मिलता है। सनरूफ का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसी मॉडल में है, तो इसको देख लेना। ये देखिए डिस्प्ले सब में सिमिलर है और ये तरीके का इसका पूरा आपको डैशबोर्ड मिलता है। इसकी वीडियो मैंने आपको समझाई है क्या है, यहाँ पर आपको ADAS मिल रहा है तो इसके सारे फंक्शन, लेन फंक्शन है, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है, और बाकी जो नॉर्मल फंक्शन क्रूज कंट्रोल में आपको अडेप्टिव फंक्शन मिल जाएगा, आगे वाली गाड़ी को फॉलोअप कर सकता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है जो कि नॉर्मल नॉन टर्बो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, तो पैडल शिफ्टर आप देखेंगे। उसके अलावा ये सारे फंक्शन आप नोटिस करने वाले हैं। बोश ऑडियो सिस्टम नॉर्मली हर एक मॉडल में दे रहे हैं तो ये थोड़ी अच्छी बात है। वेंटिलेशन का फंक्शन इन सीट्स में मिल रहा है, 6 एयरबैग इस गाड़ी के साथ आते हैं। सनरूफ की चीज़ देखेंगे, इतनी बड़ी सनरूफ इस गाड़ी के साथ दी गई है। अब आपको दिखाते हैं हल्का सा यहाँ पर, तो ये है इसकी थोड़ी सी वेलकम स्क्रीन, किस तरीके से सारा एनिमेशन देती है, और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी ये गाड़ी। और जो डायनेमिक ब्लैक है स्पेशली कलर कैसा लगा आपको, ड्राइव मोड स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर वेंटिलेशन के फंक्शन, कैमरा वैमरा ये सब चीज़ें है इसके साथ, बेसिक अडेप्टिव स्टेयरिंग गाइडलाइन मिलती है आपको, ड्राइव मोड ट्रैक्शन मोड ये सारी चीज़ें ना सिमिलर ही मिलेगी जो आने वाली क्रेटा होगी। मुझे भी बहुत ही कम उम्मीद है कि इंटीरियर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल है। बाकी जो आपने देखा कि वरना में आपको ग्रिल मिली है ना नई वाली यहाँ पर, उसमें क्या खास है कि यहाँ पर आपको एक DRL मिलता है फ्रंट में, तो उससे भी गाड़ी का एक अलग प्रोजेक्शन आता है। जिस तरीके से स्टार गेजर आपने देखी, जिसको आपने थोड़ा सा कहा कि ये हम उतना पसंद नहीं करेंगे, हमें थोड़ी सी ऐसी बॉक्सी करेक्टर वाली गाड़ी चाहिए, आपकी राय भी सही है। उसके अलावा जो स्टारिया है इस प्रकार दिखाई देती है, इसमें भी देखिए ना जिस तरीके से आप वरना में देखते हैं जो DRL है वो इस प्रकार दिखाई देगा। स्टारिया की पूरी लाइनअप आपके सामने है, बाकी जो क्रेटा है वो तो है ही, फिर बस ये जो पीछे का लुक है वो पुरानी वाली जो क्रेटा है ना वो यहाँ पर हल्का सा यूज़ अप किया गया है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस आपको 192 mm है, लंबाई इसकी 4315 है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई किया सेल्टॉस और क्रेटा की बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस बार किया ने अपनी सेल्टॉस की लंबाई को बढ़ाया गया है जो कि पहले के मुकाबले 50 mm के आसपास बढ़ चुकी है, सिर्फ बम्पर में थोड़ा सा अपडेट करके।